अक्सर सुना तो था कि सक्सेस और पैसा आने से लोगों के तेवर बदल जाते हैं, लेकिन अब तो आंखों देख लिया कि किस तरह लोगों के तेवर बदल जाते हैं। जहां लॉकडाउन के बाद बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद मुश्किलों से गुजर रहे थे, जहां एक दिन में 100 रुपए की भी बिक्री नहीं हो रही थी, वहां अब दनादन बिक्री हो रही है। कस्टमर्स की लाइन लग गई है और बाबा ने मैनेजर भी रख लिया है। बस यही वजह है बाबा के तेवर बदलने की। यूट्यूबर गौरव वासन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली के मालवीय नगर की एक वीडियो डाली, जिसमें बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद अपने संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो में लॉकडाउन के दौरान दुकान ना चल पाने से आर्थिक तंगी को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति बताई थी। स्थिति बताते वक्त वो रो भी पड़े थे। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। लेकिन लगता है बाबा उस मुश्किल वक्त को भूल गए हैं। किसने और किस तरह लोगों ने उनकी मदद की है वो भी भूल गए हैं। अब कांता किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं। यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ कांता प्रसाद ने धन की हेरा फेरी की शिकायत भी दर्ज करा दी थी। इस मामले को सुनने के बाद जब मीडिया भी उनसे बात करने गई, तो बाबा ने कुछ इस तरह बात की। सर, सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना, हम उसके पास गए। वीडियो में आपने कांता के तेवर तो देख ही लिए, और भाई तेवर क्यों ना बदलें? जहां बाबा अकेले संघर्ष कर रहे थे, अब वहां सैकड़ों लोगों का साथ आ गया है, तो बाबा के तेवर तो बदलने ही थे। ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? गौरव वासन ने बाबा के ढाबा की वीडियो बनाई थी और वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई थी। वीडियो में बाबा की स्थिति को देखने के बाद शहर में मौजूद कई लोगों ने ढाबा पर जाकर कांता की मदद की, और दूसरे शहर के लोगों ने भी गौरव ने जो अकाउंट डिटेल्स दी थी उसमें डोनेशन भेजा। लेकिन अब बाबा का कहना है कि गौरव ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है, और बाबा ने गौरव के खिलाफ शिकायत भी कर दी। इसके बाद गौरव ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और साथ ही गौरव ने बाबा को 2,33,677 रुपए का चेक दिया। गौरव ने चेक की डिटेल्स और साथ ही बाकी पैसा जो बाबा को दिया है उसकी डिटेल्स भी शेयर की है। इस पूरे मामले के बाद ये तो तय है, बाबा के ढाबा के मालिक के तेवर तो अच्छे से बदल गए हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इस मामले को देखने के बाद क्या इंसान किसी की भी मदद करने से पहले अब एक बार सोचेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।